Good morning students, your maths teacher Kiran is here. Today we will discuss about the minors and cofactors. So let us start with minors. Minors and cofactors. देखो बच्चों, जब हम minors की बात करेंगे तो let कर लो, अगर आपके पास कोई भी एक determinant है 3x3 order का, लेट अस कंसिडर द जनरल फॉर्म a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, लेट अस टेक a21. अगर हमें इसकी माइनर्स का पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो इसकी रो है और जो इसका कॉलम है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे. जैसे a21, तो इसमें सेकंड रो और वन मतलब फर्स्ट कॉलम, अगर हम इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो देखो जो माइनर बचेगी वो कितनी बचेगी. जो भी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे वो लिखो और इसी को आप क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे. इसको आप डिनोट करते हैं MIJ से. जैसे आपने A21 के लिए निकाला तो आप लिखेंगे कि M21 जो है किसके इक्वल आया, A12, A13, A32 और A33. तो अब देखो, तो यहाँ से आप जो माइनर्स हैं उनकी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ. जैसे हमने यहाँ A21 के लिए किया तो AIJ जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies. देखो हमने इस डेफिनेशन में क्या लिखा कि जो माइनर है किसी भी एलिमेंट aij की, किसी भी डिटरमिनेंट का, मान लो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया aij एलिमेंट, लेट अस कंसीडर a21, तो उसकी माइनर हम क्या बोलेंगे कि वो भी एक डिटरमिनेंट आएगा. और डिटरमिनेंट कैसा, अगर आप जो aij है मान लो, तो उसकी ith रो और jth कॉलम को अगर आप डिलीट कर दें तो जो डिटरमिनेंट बचेगा वो आपकी क्या होगी, माइनर होगी उस एलिमेंट की. और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय MIJ. तो हम इसको डिनोट करते हैं MIJ से. जैसे आपको एक एग्जांपल करके देखते हैं. मान लो आपको जो डिटरमिनेंट गिवन है वो है 1 4 7 2 5 8 3 6 9. तो मान लो अगर आपको ये बोले कि आपको जो एलिमेंट 5 है उसकी माइनर पता करनी है, तो देखो आप क्या करेंगे, सिंस पहले 5 का पता करो कि किस रो में है और किस कॉलम में है. तो 5 लाइज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. तो देखो हमने क्या सीखा था कि जो माइनर होगी हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, MIJ से. तो हम अब इस M को 2 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है. तो M 2 2 लिखा हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा. अब देखो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करेगा उस रो को और उस कॉलम को हमें क्या करना है, डिलीट करना है. जो बाकी का आएगा, जैसे M 22 जो माइनर निकलेगी 5 की, वो कितनी आ जाएगी, एक डिटरमिनेंट आएगा 1739, जिसमें 1739 क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5 की माइनर. अब देखो ये आपको कैसे मिली है, जब आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया है.
अब देखो, आप एक चीज़ ध्यान देना, जब आपका डिटरमिनेंट 3 × 3 ऑर्डर का था तो आपकी माइनर कितने ऑर्डर की आई, 2 × 2 ऑर्डर की। ऐसे ही मान लो, एक एग्जांपल लें हम, डिटरमिनेंट है आपके पास मान लो 2 ऑर्डर का, ए बी सी डी मान लो। अगर आपको बोला जाए कि आपको सी की माइनर फाइंड आउट करनी है, तो देखो सी की हम कैसे निकाल लेंगे। सी की पोजीशन देखो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो M21 कितना हो जाएगा। आप कैसे करते हैं, इस सेकंड रो को डिलीट करो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो क्या बचेगा आपके पास, B। ठीक है, तो ये क्या है, 1 × 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब देखो, आप जब डिटरमिनेंट था आपके पास 2 × 2 ऑर्डर का, तो आपके पास माइनर कितनी आई, 1 × 1 ऑर्डर की। तो आप यहाँ से एक रिमार्क निकाल सकते हैं। रिमार्क क्या हो जाएगा कि जो माइनर है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लो अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है आपके पास, तो उसकी माइनर कितनी होगी, इसे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। जितने भी ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट होगा, गिवन डिटरमिनेंट जितने भी ऑर्डर का होगा आपका, तो माइनर क्या है उसकी, n-1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 में, वो है आपके पास कोफैक्टर्स। तो देखो, कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमारे पास क्या है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मान लो कोई एलिमेंट है ए आई जे, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, जिसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए आई जे। जैसे हमने माइनर को एम आई जे से डिनोट किया था, ऐसे ही कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करेंगे, और इसको डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड बाय। देखो, जो ए आई जे होगा आपका, वो कैसे निकलेगा, -1 की पावर में जो ये आई जे है, जिस भी पोजीशन पर आपका एलिमेंट होगा उसको -1 की पावर में दोनों को ऐड करना है, जैसे -1 की पावर आई प्लस जे, और इनटू में एम आई जे। एम आई जे मीन्स जो माइनर होगी उस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के आगे बना आपको 1, 4, -2 एंड 3। ठीक है, अब देखो आपको माइनर कैसे निकालनी आती है। जैसे आपको मान लो माइनर ऑफ, मान लो A11 पोजीशन पर निकालनी है, तो हम इसको लिखेंगे M11। तो ये कितनी हो जाएगी, M11 आपके पास इस वन को और फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3। अब M11 कितनी आपके पास, 3 है, तो ऐसे ही कोफैक्टर क्या निकलेगा, देखो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे से, मतलब A11 से हम इसको डिनोट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, और इनटू में आपके पास क्या था, एम आई जे, तो एम आई जे मतलब M11, M11 कितना आपके पास, 3। तो देखो ये कितना आएगा, -1 की पावर इवन बनेगी, तो ये प्लस ही रहेगा, तो आंसर आएगा आपके पास 3। उसके बाद देखो, माइनर है जो, हम इसको बार बार क्या करें, M12 मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। अब इस एलिमेंट की कैसे निकलेगी,
A12 है, तो आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो M12 आपके पास 4 आ गया, तो A12 मतलब कोफैक्टर इस एलिमेंट का, A12 एलिमेंट का क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2। हम क्या करते हैं, -1 की पावर i+j करते हैं ना, तो -1 की पावर जब आप 1 प्लस 2 करेंगे और इनटू में आपको क्या करना होता है, mij जो होती है आपकी, तो mij मतलब M12। अब देखो ये कितना आएगा, अब -1 की पावर ओड है, तो माइनस साइन और माइनर, M12 कितनी आई थी, 4, तो A12 कितना आ गया, -4 आ गया। ऐसे ही जब आप M21 निकालेंगे, मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट A21, तो A21 पर देखो, A21 पर कैसे निकलेगा, 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बाद क्या बचेगा, -2, तो ये आ गई आपके पास -2। अब A21 कोफैक्टर क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, वो हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 और इनटू में M21 मतलब कि -1 की पावर 3, तो ओड पावर है और -2 ये था, तो माइनस और इनटू माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब देखो M22 मतलब कि माइनर ऑफ द एलिमेंट A22, तो जब आपको A22 निकालना है, मीन्स आपको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, तो आपके पास एलिमेंट क्या बचेगा, 1, तो माइनर M22 क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे ही जो कोफैक्टर हैं इस एलिमेंट के, वो क्या हो जाएंगे, -1 की पावर 2 प्लस 2 और इनटू में जो माइनर आई है 1, तो ये क्या है, इवन पावर है, तो प्लस का 1 बचेगा और +1 इनटू +1 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट हम एग्जांपल में लेकर चले थे और हमने हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से आपके जो भी एग्जांपल्स या एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको यही बोला जाएगा कि आपको किसी भी एलिमेंट की या फिर जो भी डिटरमिनेंट गिवन होगा, उसके सभी एलिमेंट्स की माइनर और कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक यहाँ पर एक रिजल्ट आपका यूज होता है, और वो रिजल्ट क्या है, नोट में करके देखते हैं। रिजल्ट क्या है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड, विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज जीरो। देखो इस रिजल्ट में हमने क्या लिखा कि अगर आप एलिमेंट है किसी भी डिटरमिनेंट में, अगर जो एलिमेंट्स गिवन है किसी रो के या कॉलम के, अगर आप उनको किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो सम आएगा आपके पास वो जीरो आएगा। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में अभी किया था, हमने हर एलिमेंट की माइनर और कोफैक्टर्स निकाले हैं, तो अगर हम इस रिजल्ट को इसी एग्जांपल पर अप्लाई करना चाहें, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो जीरो आएगी अगर प्रोडक्ट है, मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं, फिर प्लस इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसकी सेकंड रो के अगले कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो सम आएगा इनका वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, A11 देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में A11 क्या था आपके पास, 1 था, और जो A21 आया था आपके पास, जो सेकंड एलिमेंट का सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया था वो था 2। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, A11 तो था आपके पास 1 और A21 आया था आपका 2, फिर प्लस A12 देखो, A12 पोजीशन पर यहाँ पर है आपका -2, तो A12 की जगह आपने लिखा -2, और यहाँ से देखो A22 की वैल्यू कितनी आई थी, 1। अब देखो 2
माइनस टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से ये रिजल्ट भी आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकालते हैं तो वो सम जीरो आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज 4.4 है जो, इसको ट्राई करना है सभी बच्चों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।